हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करें अपनी क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर सिल्क रोड। और ये आपने पहले भी सुना होगा वैसे तो सिल्क रोड हिस्ट्री में, कि ये एक ऐसा रास्ता था जो कि एशिया की कंट्रीज़ को और यूरोप की कंट्रीज़ को अटैच करता था। इस पे से बहुत भारी भारी सामान जाते थे दूसरी दूसरे देशों में, जैसे कि एक देश से चाइना में पटेटोज़ गए और पटेटोज़ की स्पैगेटी अलग अलग एशियन कंट्रीज़ में गई, मतलब नूडल्स वगैरह, है ना। तो सिल्क रोड जो है वो एक ट्रेड रूट था, इस तरीके से आप कह सकते हो। और सिल्क रोड इस चैप्टर में भी आया है, लेकिन वो ट्रेडिंग के उससे नहीं आया, वो एक पिलग्रिमेज के उससे आया है। पिलग्रिमेज इन द सेंस तीर्थ यात्रा हम कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें हम थोड़ा बहुत घुमाई के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो हमारे नरेटर है उन्होंने माउंट कैलाश की यात्रा को तय किया। ओके, छोटा सा ही चैप्टर है। सो अब बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे हैं, वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, सो मेक श्योर यू डाउनलोड देम फॉर फ्री। ओके, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की एंड टेलीग्राम की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सिल्क रोड। ये जो स्टोरी है ना, ये किसने लिखी है आप देखो, ये स्टोरी लिखी है निक मिडल्टन जी ने। इतनी बात याद हो गई। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये लेखक की जर्नी के बारे में हमें बताता है कि कैसे वो रावू, रावू एक जगह का नाम है, और उसके जो पर्वतीय स्लोप्स थे वहाँ से होते होते वो माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, ताकि वो अपनी क्या पूरी कर सकें, कोरा पूरी कर सकें। अब ये कोरा क्या होती है, देखो कोरा जो है ना वो मेडिटेशन होता है जो कि बुद्धिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। पहाड़ों पर जाके बुद्धिस्ट लोग जो है वो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस चीज़ को कोरा बोला गया है ना। और जब निक मिडल्टन जो है वो वहां से एग्जिट कर रहे थे माउंट कैलाश से, तो उनकी फेयरवेल देने के लिए, ठीक है, फेयरवेल देने के लिए कि जैसे वो जा रहे हैं तो उनको एक टाइप ऑफ पार्टी देने के लिए, जो लमाओ थी, लमाओ क्या होती है, टिबेटियन वुमेन, टिबेट की जो वुमेन होती है, उन्होंने निक मिडल्टन को क्या दिया, एक लंबा सा बड़ी बड़ी स्लीव्स का स्किन शीप का कोट दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा के लिए, जर्नी के लिए क्या किया निक मिडल्टन ने, टीसन नाम, टीसन एक इंसान है, उसकी कार हायर कर ली थी कि टीसन मुझे लेके जाएगा कार से, ठीक है, मेरी जर्नी में। और डैनियल को उन्होंने ले लिया था ताकि वो दार्जिलिंग तक उनको गाइड करते रहे कि कैसे क्या चीजें हैं। ओके, सो एसोर्ट का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु टेक समबडी टू अ सोशल इवेंट, की मतलब जो ये निक मिडल्टन है इन्होंने डैनियल को अपने साथ ले लिया था ताकि वो साथ के साथ अपनी यात्रा कर ले, ठीक है। सो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। अब यहाँ पर देखो, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, प्ले का मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट इन द सेंस नरेटर। इतनी बात समझ में। ओके, जो नरेटर होते हैं वो माउंट कैलाश जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी कोरा पूरी करनी है, मतलब मेडिटेशन पूरा करना है, ठीक है। और उन्होंने टीसन की कार को हायर कर लिया, टीसन को भी एज अ ड्राइवर, एंड टीसन की कार को भी उन्होंने हायर कर लिया ताकि वो दोनों जो है माउंट कैलाश में जा सके, और फेयरवेल गिफ्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि अब टीसन जो है वो जा रहे थे अपनी यात्रा करने के लिए, तो लमाओ यानी कि टिबेटन वुमेन ने एक लंबी सी स्लीव का बड़ा सा शीप की स्किन का कोट दे दिया, ठीक है। और डैनियल को उन्होंने एज अ कंपेनियन रख लिया डार्जिन तक, डार्जिन एक जगह है कि वहां तक डैनियल जो है वो अकम्पनी करेगा किसको, नरेटर को, ठीक है। अब जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये देखो मैंने कितना अच्छा माउंट कैलाश बनाया, आप देखना, ठीक है। ओके, सो जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट द जर्नी, टीसन टुक अ शॉर्टकट, वो जो है एक शॉर्टकट ले लेता है टीसन, ठीक है, कहाँ पर, साउथ वेस्ट तक, क्योंकि जो उन्होंने शॉर्टकट लिया था ना वो डायरेक्ट रास्ता है माउंट कैलाश तक, इसलिए टीसन ने क्या किया, एक शॉर्टकट ले लिया, ठीक है। सो दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन, उनको ना हाई, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है उन्हें क्रॉस करने थे ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन माउंट कैलाश तक पहुंच जाए। अब टीसन ने उन्हें एश्योर किया कि पता है हमें ना रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर रास्ते में बर्फ नहीं होगी तो, और बर्फ होगी तो थोड़ी बहुत हमें दिक्कत आ सकती है। तो किसको क्रॉस कर रहे थे, अब दे क्रॉस थ्रू फ्यू गेजल्स, गेजल्स क्या होते हैं, डीर वगैरह, ठीक है, डीर, वाइल्ड एस, शेफर्ड्स, बहुत सारे झुंड में थे ये लोग, ठीक है, मतलब पहाड़ी पे जो जानवर होते हैं उन सबको। और जैसे ही वो पर्वत पे पहुंचे, हिल पे पहुंचे, तो उन्होंने डार्क टेंट को पास किया, काफी सारे टेंट थे उनको पास किया, ठीक है। और वो टेंट किसके थे, बंजारों के, नोमैड्स के, है ना। अब उन्होंने क्या, एक टिबेटन मैस्टिफ देखा, टिबेटन मैस्टिफ का क्या मतलब होता है,
उन्होंने एक टिबेटन मैस्टिन देखा. मैस्टिन इज टिबेटन, मैस्टिन मतलब टिबेट का डॉगी, बड़ा सा, ठीक है. सो वो जो है टेंट के बाहर खड़े हुए थे टिबेटन मैस्टिफ एक गार्ड के रूप में. तो जैसे ही लेखक की और टीसन की जो गाड़ी है वो वहां से टेंट के थ्रू गुजर रही थी, तो फिर वो डॉग्स जो है जिनके बड़े बड़े से जॉज थे, ठीक है, मतलब जबड़े बहुत बड़े बड़े थे, उन्होंने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया. मतलब वो गाड़ी के पीछे लग गए थे, ठीक है. सो दीज मैस्टिफ रेन आफ्टर हिज कार एज दे रीच, क्योंकि वो जो उनकी कार थी वो बिल्कुल टेंट के पास से होते हुए गुजर रही थी, सो इसलिए वो कुत्ते पीछे पड़ गए थे. ओके सो एज सून एज दे एंटर द वैली, अब जैसे ही वो वैली के आसपास पहुंच जाते हैं, उन्होंने देखा कि जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, उनके ऊपर बर्फ गिर रही है, ठीक है. और उस बर्फ, वो बर्फ से के बीचों बीच में से ही नदियां बह रही हैं, रिवर फ्लो कर रही हैं, ठीक है. विच वर ब्लॉक्ड विद आइस, लेकिन वो जो नदियां हैं वो किससे ब्लॉक हुई हुई है, आइस से, ठीक है, और या फिर बर्फ से. सो व्हेन दे वर राइडिंग थ्रू द हिल, जब वो हिल से यानी कि पहाड़ों से राइड कर रहे होते हैं, तो जो मोड़ होते हैं, टर्न्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प बन जाते हैं, बहुत ज्यादा शार्प बन जाते हैं, और रोड जो है वो बम्पियर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे डिचिक डिचिक वाले, ठीक है, ऐसे बम्पियर से हो जाते हैं. सो टीसन वॉज ड्राइविंग इन द थर्ड गियर, वो टीसन जो है वो थर्ड गियर में चला रहे होते हैं गाड़ी को. ओके सो जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, प्रोटैगनिस्ट इन द सेंस नरेटर यानी कि निक मिडलटन, वो थोड़ा प्रेशर अपना फील कर रहे होते हैं कानों में, वो उन्होंने अपनी नाक पकड़ी और थोड़ा बहुत सूंघने की कोशिश की ताकि उनकी नाक में जो ब्लॉकेज वगैरह है ना, कंजेशन वगैरह है, वो थोड़ा दूर हो जाए. और उन्होंने अपनी विस्ट वॉच में चेक किया कि हम कितनी ऊंचाई पर है या फिर कितनी एल्टीट्यूड पे है अबव द सी लेवल, तो वो जो थे 5,210 meters अबव द सी लेवल थे एट दैट टाइम. ओके अब आगे बढ़ते हैं. सो दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल, वो जो है अपनी पहली हर्डल तक पहुंच गए थे जब रोड जो है वो फाइनली स्नो से भरा हुआ था. अब टीसन ने पहले ही कह दिया था कि अगर रोड स्नो से भरा हुआ है तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है. सो टीसन ने इस चीज से बचने के लिए क्या किया, उस स्नो पे ना मिट्टी फेंक दी, ठीक है, और उस रोड पे से बहुत केयरफुली, बड़े प्यार प्यार से वो चला के ले गए थे. और उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को रिज्यूम किया. अब प्रोटैगनिस्ट जो है उन्हें, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे तो सर दुख रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पानी की कुछ सिप पी अपनी वाटर बॉटल से, और वो पहाड़ पे चढ़े ही जा रहे थे. सो अब जो है टीसन और जो प्रोटैगनिस्ट है वो 5,515 meters अबव द सी लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है. दे स्टॉप्ड अगेन, वो दोबारा से रुकते हैं, और इस टाइम जो फ्यूल टैंक है ना वो ऐसी आवाज करने लग जाता है. और टीसन ने क्या किया, फिर वो खोला, अनस्क्रू किया कार के टॉप को, और वहां पे उन्होंने देखा कि जो फ्यूल टैंक है वो उसकी आवाज क्यों कर रहा है, क्योंकि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है इतनी ऊंचाई पर, और उनका जो पेट्रोल है वो फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है. तो टीसन ने एक वार्निंग दी होती है कि भाई आप कोई भी स्मोक मत करना, ठीक है. सून इन द आफ्टरनून, अब आफ्टरनून में क्या होता है, अराउंड 2 o'clock, 2 बजे के आसपास, वो किस चीज के लिए रुकते हैं, लंच के लिए, भोजू के लिए. ओके अब प्रोटैगनिस्ट का हेडेक जो है, सर का दर्द जो है, वो जा चुका होता है. और लेट आफ्टरनून में, मतलब कि दिन में, वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, एक छोटे से कस्बे में या फिर टाउन में जिसका क्या नाम था, होर, ठीक है. अब दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे, अगेन वो दोबारा से ईस्ट वेस्ट हाईवे पे पहुंच जाते हैं. ये एक पुराना रास्ता था ल्हासा से कश्मीर का, ठीक है. अब यहाँ तक डेनियल क्या करता है, डैनियल जो है वो फिर जाता है कार से, उतर जाता है और फिर वो दूसरी कार से लिफ्ट ले लेता है ल्हासा की तरफ, ठीक है. अब डैनियल तो चला जाता है ल्हासा की तरफ. देयर कार हैड अ फ्यू पंचर्स, और उनकी कार में काफी सारे पंचर्स हो जाते हैं, किसकी, टीसन की, उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से टीसन को बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है. उसके बाद वो उसको फिक्स भी कर देते हैं, और प्रोटैगनिस्ट जो है इतने जब तक वो फिक्स करते हैं उन पंचर्स को, तो जो नरेटर होता है वो लोकल कैफे जो कि होर में है वहां पर वेट कर रहा होता है और एक चाय का ग्लास पी रहा होता है, ठीक है. सो उन्होंने देखा, क्या नाम है, निक ने ये देखा कि होर जो है बहुत ही ज्यादा एक मिजरेबल प्लेस है, ठीक है. और वाइल आफ्टर टीसन जो है वो आते हैं प्रोटैगनिस्ट के पास, उसके बाद वो अपनी जो यात्रा है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो अब रात के 10:30 बजे वो डार्चिन में एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं ताकि वो अपनी जो रात है वो गुजार सके. और नरेटर जो है वो
थोड़े बीमार हो जाते हैं, उनकी नाक में ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होता है, कोल्ड वेदर भी होता है, वो पूरी रात जागते रहते हैं। अगले मॉर्निंग में जो टीसन होता है वो टिबेटन मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है नरेटर को और टिबेटन डॉक्टर को दिखाता है। फिर टिबेटन डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई देते हैं वो एक ब्राउन एनवेलप के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब वो पूरे दिन मेडिसिन खाते हैं तो नरेटर को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। टीसन जो है वो उनको लेफ्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं जब उनकी हालत यानी कि हेल्थ कंडीशन जो है काफ़ी सही हो जाती है। अब प्रोटैगनिस्ट जो है वो डार्चिन में ही रुके हुए थे, मतलब निक मिडिलटन जो है वो डार्चिन में ही रुके हुए थे, और वहाँ पर जो है जनरल स्टोर थे जहाँ पर चाइनीज सिगरेट, सोप और दूसरी चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है। आफ्टरनून में, इन द आफ्टरनून, जो मेन है वो गैदर हो जाते हैं शैबी टेबल पे, मतलब जो एक टेबल बहुत ही पुअर कंडीशन में हो जाते हैं वो उस टेबल पे गैदर हो जाते हैं सारे के सारे मेन, और पूरा दिन पूल खेलते रहते हैं, मतलब डेली पूल खेलते हैं, ठीक है। वुमेन जो है वो जैसे नदी के छोटे छोटे स्ट्रीम्स में अपने बाल धो लेती हैं। डार्चिन में एक प्रॉब्लम है, अभी जिस टाइम पे नरेटर गए हुए थे ना वहाँ पे यात्री नहीं थे, सो लोकल पीपल के अकॉर्डिंग तीर्थ यात्रा का एक सीजन होता है जब ट्रैवलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फिल होते हैं इस जगह पर, ठीक है। अब क्या होता है, डार्चिन के कैफे में जहाँ पर जो नरेटर रुके हुए थे कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, वहां पर उन्हें एक पर्सन मिलता है, ठीक है। उनका नाम क्या था, नॉर्बू, ओके। वो भी हु वॉज अ टिबेटिन, वो भी एक टिबेटिन थे लेकिन वो वर्क कहाँ करते थे, बीजिंग में। कहाँ पर काम करते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो वो आते हैं डायरेक्शन में ताकि वो भी प्रोटैगनिस्ट की तरह या फिर नरेटर की तरह कोरा पूरी कर सके। किसके बारे में बात हो रही है, नॉर्बू के बारे में, ठीक है। सो वो बहुत मोटे से थे और उन्हें लगा कि अब यार मैं चल नहीं पाऊंगा, तो प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करते कि चलो हम दोनों अपनी तीर्थ यात्रा साथ में ही कर लेते हैं। और उन्होंने ना याक्स को हायर कर लिया होता है ताकि वो याक्स जो है उनका सामान जो है वो कैरी कर सके। नॉर्बू फाइनली कहता है कि भाई मेरे तो पॉसिबल नहीं है, और वो टेबल पे कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से हंसते हैं, उनका पेट भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने पेट भी बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। और पेट अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि अच्छी ड्राइंग है, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड सेकेंडली प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर बेटर सपोर्ट, ओके। थैंक यू सो मच।